हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्डविन गेमिंग के ग्रैंड फाइनल्स के बारे में, जिसका आज डे टू था। तो फटाफट हमने आज के लिए प्रिडिक्शन की थी वो देख लेते हैं। हमने चार प्रिडिक्शन की थी और चारों के चारों गलत होती है। तो फटाफट से हम अपने आपको चाटा मार लेते हैं चार, फटाफट से हम मैचेस के ऊपर नजर डाल देते हैं। तो फर्स्ट मैच हुआ था इरेंगल में और क्या ही गेम हुआ था। इस गेम में चिकन डिनर निकाला टीम चेमनी स्पोर्ट्स ने विद द टोटल ऑफ 22 पॉइंट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था। चेमनी स्पोर्ट्स ने चिकन डिनर निकाला, ऑलमोस्ट सोल का चिकन डिनर था, लेकिन सोल ने जो थ्रो किया है, चारों के चारों प्लेयर अलाइव थे और जोन के बाहर अक्षत और गॉबलिन घूमने चले गए, जोन से नॉक हो गए। फिर अंत में डेल्टा पीजी ने 1v2 कर दिया, ऑलमोस्ट थ्रो किया है, वरना चिकन डिनर एक पॉइंट के लिए गए और चार पॉइंट लूज करा के आ गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैच हुआ था। डेल्टा पीजी ने क्या ही चिकन डिनर निकाला, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स के फिनिश ज़्यादा थे, इसलिए वो फर्स्ट पोजिशन पर आपको दिख रहे होंगे। और फटाफट से इस मैच के MVP के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच का MVP है ग्लोबल स्पोर्ट्स के रॉनी विद द टोटल ऑफ 5 फिनिशेस पॉइंट्स के साथ। लेकिन असली बात करें तो इस गेम के MVP होनी चाहिए डेल्टा पीजी, क्योंकि उन्होंने जो खेला है अंत में। नंबर टू के बाद बात कर लेते हैं। तो मैच नंबर टू हुआ था सेनॉक में और इस बार चिकन डिनर निकला टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स ने विद द टोटल ऑफ 27 पॉइंट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया रेवेनेंट स्पोर्ट्स ने चिकन डिनर निकाला। और फटाफट से इस मैच के MVP के बाद बात कर लेते हैं। तो इस मैच के MVP थे रेवेनेंट के पैराडॉक्स विद द टोटल ऑफ 6 फिनिशेस पॉइंट के साथ। और मैच नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैच नंबर 3 हुआ था मीरामार में और इस बार चिकन डिनर निकला ओरैंगुटान स्पोर्ट्स ने विद द टोटल ऑफ 24 पॉइंट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया खेला ओरैंगुटान स्पोर्ट्स ने 24 पॉइंट्स का चिकन डिनर निकाला और इस बार फिर से चिकन डिनर नहीं निकाल पाए टीम सोल का चिकन डिनर आ ही नहीं रहा, #2 पे आके मर ही जा रहे। और फटाफट से इस मैच के MVP के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच का MVP है सोल के गॉबलिन विद द टोटल ऑफ 5 फिनिशेस पॉइंट्स के साथ। नंबर 4 के बाद बात कर लेते हैं। तो मैच नंबर 4 हुआ टाइडेंगल में और इस बार चिकन डिनर निकला ग्लोबल स्पोर्ट्स ने विद टोटल ऑफ 32 पॉइंट्स के साथ। बहुत ही बढ़िया खेला ग्लोबल स्पोर्ट्स ने और 17 फिनिशेस का चिकन डिनर निकाला, क्या ही खेल रही है ग्लोबल स्पोर्ट्स। और फटाफट से ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर नजर डाले। फर्स्ट पोजिशन पे आती है टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स विद 112 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पे आती है गॉड लाइक विद द टोटल ऑफ 94 पॉइंट्स के साथ। थर्ड पे आती है टीम सोल विद द टोटल ऑफ 94 पॉइंट्स के साथ। दोनों के पॉइंट आप सिमिलर देख सकते हैं, गॉड लाइक और सोल के, और बाकी के पोजिशन का आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो फटाफट से हम डे 3 के लिए प्रिडिक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिडिक्शन हमारी ये है कि कल के दिन में टीम सोल एक ना एक चिकन डिनर जरूर निकालेगी, हमारी प्रिडिक्शन है। आज भी दो दो गेमों में चिकन डिनर के पास गए लेकिन नहीं निकाल पाए, कल पक्का निकालेगी मुझे पूरा विश्वास है, और देखेंगे कल कैसा होता है। और सेकंड प्रिडिक्शन के बाद बात कर लेते हैं। तो सेकंड प्रिडिक्शन हमारी ये है कि टीम गॉड लाइक के एक ना एक प्लेयर चारों गेमों में से एक ना एक गेम में जरूर MVP आएंगे, ये हमारी प्रिडिक्शन है। और थर्ड प्रिडिक्शन हमारी यह है कि मोस्ट फिनिशेस बाय टीम होगी ग्लोबल स्पोर्ट्स। और फोर्थ और आखिरी प्रिडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो हमारी ये है कि टीम निग्मा गैलेक्सी होगी top 8 में ओवरऑल day 3 के बाद। तो देखेंगे कितनी प्रिडिक्शन हमारी सही होती है, कितनी प्रिडिक्शन हमारी गलत होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो। हम मिलेंगे आपको अगली में, तब तक के लिए बाय।